अचिनी कुलासूरिया श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम में एक बॉलर यानी गेंदबाजी की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने नवंबर 2015 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम वलियरुवे गेदारा अचिनी कलहारी कौशल्या कुलासूरिया है। इनका जन्म 7 जून 1990 मटाले सिटी श्रीलंका में हुआ। अचिनी बाएं हाथ की बैटर है और दाएं हाथ की मीडियम स्लो बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 22। अचिनी कुलासूर्य की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 39। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 22 नवंबर 2015 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 64। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 10 नवंबर 2015 को एबी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने अभी अपना डेब्यू नहीं किया है। वहीं अचिनी कुलासूर्य डोमेस्टिक क्रिकेट में नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस, रोहना प्रोविंस, श्रीलंका ए वुमेन, श्रीलंका आर्मी स्पोर्ट्स क्लब और श्रीलंका क्रिकेट 11 टीम से खेली और खेलती हैं। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के दौरान अलग अलग डोमेस्टिक क्रिकेट क्लबों के लिए क्रिकेट खेला और इन्होंने श्री माओ बांद्रा नाई के गर्ल्स स्कूल रत्नापुरा से अपनी पढ़ाई की। अचिनी कुलासूर्या ने 10 नवंबर 2015 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला और इसी सीरीज में 22 नवंबर 2015 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ही अपने टी20 करियर की भी शुरुआत की। फिर इंग्लैंड एकेडमी और ऑस्ट्रेलिया ए के साथ 2016 में ट्राई सीरीज में श्रीलंका टीम के साथ थी और खेलते हुए 9 विकेट लिए और अक्टूबर 2019 में अचिनी कुलासूर्या ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ब्रिस्बेन वनडे में 50 रन देकर 3 विकेट लिए और सबको प्रभावित किया। फिर ऑस्ट्रेलिया में 2020 आईसीसी टी20 विश्व कप में और जिम्बाब्वे में 2021 क्रिकेट विश्व कप क्वालिफाई टूर्नामेंट के लिए अचिनी कुलासूर्या को श्रीलंका की टीम में नामित किया गया और फिर मलेशिया में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट क्वालिफाई टूर्नामेंट के लिए खेला और श्रीलंका के क्वालिफाई होने के बाद इन्हें इंग्लैंड में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने का भी मौका मिला। तो हम अचिनी कुलासूर्या के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये इससे भी और अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।